किचन किचन विद मीरा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पैन पिज़्ज़ा, यानी तवे के ऊपर पिज़्ज़ा रेडीमेड बेस के साथ, पिज़्ज़ा क्रस्ट के साथ, जो कि मैंने मार्केट से ली थी जी। तो व्यूअर्स, इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़रूर कमेंट करें, इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और ट्राई करके मुझे बताएं कि कैसा बना। क्योंकि आपको पता है कि आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले चिकन को जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, जो टॉपिंग के लिए यूज़ करना है। तो पहले ऑयल डालेंगे, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून है ऑयल, और इसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं चिकन, जो कि मैंने तकरीबन 1 कप या 1 कटोरी में ले लिया है मैंने। इसमें ऐड करूँगी नमक, नमक 1 टीस्पून है, सूख मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, जीरा और सूखे धनिया का पाउडर है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून है सिरका। ये सब चीज़ों को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। ये रेडी है, अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। बनाने जा रहे हैं जो कि रेडीमेड बेस के साथ बनाना है, तो मैंने बेस पहले थोड़ा सा पैन को थोड़ा सा हीट अप कर लिया, फिर हीट कर लिया, मैं इसमें पिज़्ज़ा बेस रखूँगी और इसको ऑयलिंग कर लूँगी पिज़्ज़ा बेस को। इसको ऑयलिंग कर लेना बेस को, अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना। लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे ताकि बेस जो है नीचे से जल ना जाए। अब इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ को स्प्रेड कर देंगे। चीज़ के बाद अब हम इसमें चिकन के जो क्यूब्स हमने बनाए थे वो ऐड करेंगे, वो रखेंगे चिकन क्यूब्स। चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही हो तो अच्छी लगती है, पिज़्ज़े का एक बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट निकलता है। हमारे घर में चिकन जो है वो सब बहुत लाइक करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको लिया है। ऐड करूँगी शिमला मिर्च, कुछ स्लाइसेस मैंने लिए थे इसके, इसके अलावा टमाटर, टमाटर शिमला मिर्च और चिकन को स्प्रेड कर दिया है। अब प्याज रखेंगे, मैंने प्याज को बहुत बड़ा नहीं काटा, मैं स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ी सी क्रश्ड रेड पेपर, जो है मैंने इसके ऊपर नमक स्प्रेड कर दिया,
चीज़ ऐड कर दी है हम, ऑरिगेनो ऐड कर देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 इंच जो है वो मैंने ऑरिगेनो स्प्रेड कर देना है, और साथ ही थाइम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए इसको आमतौर पर यूज़ किया जाता है थाइम को, तो इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको ढक कर रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चीज़ मेल्ट हो गई है, तो पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर है, तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अब मैंने इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसको खाने वाली हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब ये जो है रेडी है पिज़्ज़ा, अब मैं इसको खाने वाली हूँ।